हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट वन परीक्षा फॉर्म। अंतिम है मौका, अंतिम है तिथि। आप यहां पर देख सकते हैं सेशन 2014-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22 एंड 20-23, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद स्नातक पार्ट थर्ड परीक्षा सेशन 18-21 एंड स्पेशल परीक्षा 2021 का डेट शीट कब तक आ सकता है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट वन परीक्षा फॉर्म। अंतिम है मौका, अंतिम है तिथि। चलिए क्या कुछ अपडेट निकल कर आई है जेपी यूनिवर्सिटी से, हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का यह नोटिफिकेशन है। यहां पर आप सभी देख सकते हैं लिखा गया है संशोधित पत्र परीक्षा विभाग, तथा नीचे में हम लोग आएंगे तो यहां पर आप सभी देख पाएंगे, आपको यहां पर परीक्षा नियंत्रक का सिग्नेचर मिल जाएगा जो कि 19-9-2022 को जारी किया गया है। यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको डेट देखने को मिल जाएगा परीक्षा नियंत्रक का। चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या कुछ बताया गया है। इसमें बताया गया है कि स्नातक प्रथम खंड विशेष परीक्षा 2021 के परीक्षा प्रपत्र शुल्क के साथ तिथि को विस्तारित करने के संबंध में, यानी कि जो स्नातक पार्ट वन सेशन 2014 से लेकर के 2020-23 तक का परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21 तथा 20-23 के स्टूडेंट शामिल हैं, उनका परीक्षा फॉर्म पहले 12-9-2022 से लेकर के 22-9-2022 तक भरा जाना था, लेकिन उसको बढ़ा करके अब 24-9-2022 तक कर दिया गया है। एक बार फिर से सुनिए, जो परीक्षा फॉर्म आपका 22-9-2022 तक ही भरा जाना था, उसको बढ़ाकर अब 24-9-2022 तक कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी यह देख पा रहे हैं, यह संशोधित पत्र है, यानी कि डेट को बढ़ा दिया गया है स्नातक पार्ट वन परीक्षा फॉर्म भरने का। आप यहां पर देख सकते हैं, जो भी आपको यहां पर दिख रहा होगा परीक्षा नियंत्रक का सिग्नेचर है, यहां आप साफ साफ देख सकते हैं जो भी नोटिफिकेशन है यह ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। देखिए फ्रेंड, आप लोग 24-9-2022 के पहले हर हाल में अपना परीक्षा फॉर्म को भर दें, क्योंकि इसके बाद उम्मीद नहीं है कि आपका परीक्षा फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया जाए। तो एक बार मैं फिर से कहता हूं, आप सभी अपना परीक्षा फॉर्म भर दें, क्योंकि जो लोग विशेष परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं उन लोगों के लिए यह अंतिम मौका है, और जो लोग जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन बचा है उन लोगों का तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों का लेकिन उन लोगों को एक बात है कि उनका एक साल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जो खासतौर पर विशेष परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं उनका तो समझिए कि अगर इस बार नहीं परीक्षा फॉर्म को भरते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और वो लोग आगे इस कोर्स से वंचित हो जाएंगे। चलिए इस बात को आप सभी समझ पाए होंगे। चलिए फ्रेंड, हम लोग का अगला पॉइंट है स्नातक पार्ट थर्ड परीक्षा सेशन 18-21 एंड स्पेशल परीक्षा 2021 को लेकर के। बहुत दिनों से छात्र इंतजार में है कि डेट शीट को कब जारी किया जाएगा। देखिए फ्रेंड, आप सभी को मैं बहुत बार बता चुका हूं कि डेट शीट 25 के पहले जारी होने का उम्मीद नहीं दिख रहा है। आप सभी यहां पर देख सकते हैं जो ये सेशन है स्नातक पार्ट वन का, सभी सेशन का तो परीक्षा फॉर्म यहां पर आप सभी देख सकते हैं, स्नातक पार्ट वन का परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है, उसका रिवाइज डेट भी आ गया, लेकिन जब छात्र प्रदर्शन करते हैं, जब छात्र कुलपति का घेराव करते हैं तो बोला जाता है कि यथाशीघ्र डेट को जारी किया जाएगा, लेकिन जैसे ही छात्र शांत होते हैं सब कुछ शांत हो जाता है। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है, जब आपको मालूम होगा कि कमला राय कॉलेज में छात्रों ने प्रदर्शन किया था तो ये बातें बताई गई थी कि यथाशीघ्र स्नातक पार्ट थर्ड सेशन 18-21 का डेट शीट को जारी किया जाएगा, लेकिन फिर से यूनिवर्सिटी एक बार सुस्त हो चुका है। अब देखना है कि क्या 25 के पहले डेट शीट जारी होता है या नहीं जारी होता है, क्योंकि बताया गया है कि 27 सितंबर से आपका जो एग्ज़ाम है उसको संभावित तिथि रखा गया है कि उस दिन से आपका एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन यह नहीं है। उम्मीद है कि आपका जो एग्ज़ाम है नवरात्रि के बाद ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो पाएगा, दशहरा के बाद ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि दशहरा में छुट्टी भी रहता है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि क्या एग्ज़ाम लेगा, क्योंकि सेशन बहुत सारा लेट हो चुका है, तो हो सकता है कि नवरात्रि में आपका एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं असंभव है।
चलिए फिर आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आगे भी आपको बताने की कोशिश करता रहूँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें। चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।